हाय गाइस, अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस की तो हमेशा से ये टेक वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी डिबेट बन के रहती है। और जब भी ये डिबेट स्टार्ट होती है तो किसी न किसी के सेंटीमेंट्स फॉर श्योर हर्ट होते हैं, और फॉर सम रीजन मैं भी चाहता हूं इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना। तो आज मैं आप लोग के आगे अपने फैक्ट्स रखूंगा एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस के। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो एप्पल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनोवेट करने में पीछे रह रहा है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अगर आप सैमसंग का आज लेटेस्ट फोन उठाते हो तो ये जो है पंच होल कैमरा देते हैं, ऊपर से कर्व डिस्प्ले भी है जो इसको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लुक देती है और ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देती है। इनफैक्ट मुझे एक टाइम याद है जब मैं आईफोन 12 प्रो यूज कर रहा था और उसके अंदर जो है हाई रिफ्रेश रेट नहीं था और मैंने कुछ ज्यादा ही मिस किया और मैं एंड्रॉइड पे धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया। नो डाउट एप्पल ने जो है हाई रिफ्रेश रेट लाने में भी काफी टाइम लगा दिया, काफी टाइम से लोग जो है एप्पल को इस नॉच के लिए क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं। इनफैक्ट यहीं से एक और पॉइंट आता है फोल्डिंग फोन्स का, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड ही ऑप्शन दे रहा है, एप्पल का अभी तक कोई भी फोल्डिंग फोन नहीं आया है। अब एप्पल के जो फैंस हैं उनका ये कहना है कि एप्पल जब भी कोई टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो वो मासेस के लिए रहती है और वो बहुत रिलायबल रहती है। रिसेंटली मैंने फोर्ब्स का एक आर्टिकल भी पढ़ा था जहां पर जो है एप्पल फैंस डिफेंड कर रहे थे नॉच को, और उनका ये मानना है कि जो नए पिल शेप डिजाइन है, फिर जो डुअल होल पंच आ रहा है, वो एप्पल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि टेक वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है, हर किसी को नंबर वन बनना है तो भाई ये रेस भी अगर पीछे रहती है, और क्योंकि एप्पल इनोवेशन के लिए जाना जाता था हमेशा से, तो भाई इस वाले डिपार्टमेंट में वो पीछे रहे हैं फॉर सम रीजन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो फैक्ट ये कि जो आईफोन में प्रोसेसर लगे होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। एक बारी को ना बेंचमार्क्स को साइड में रख देते हैं क्योंकि वो सच में बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं और एंड्रॉइड से बहुत ऊपर होते हैं। मेन बात है ऑप्टिमाइजेशन की, जहां पर एंड्रॉइड बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे ये रिसेंटली एक चिप आई थी मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और क्योंकि एंड्रॉइड वर्ल्ड में इतनी सारी चिप्स लॉन्च होती रहती है तो डेवलपर्स के पास जो है बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि किसको ऑप्टिमाइज करना है। जबकि आईफोन्स की साल में एक ही चिप लॉन्च होती है और डेवलपर्स के पास बहुत टाइम होता है इनको ऑप्टिमाइज करने का, तो इसी वजह से आईफोन्स जो है कम हीट करते हैं और मच बेटर परफॉर्म करते हैं अगर हम एंड्रॉइड से कंपेयर करें तो। अब एंड्रॉइड पीछे क्यों है, इसके पीछे सिंपल रीजन है क्योंकि एंड्रॉइड जो है थर्ड पार्टी चीजें ज्यादा लेता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो है गूगल का है उसके ऊपर अपनी स्किन लगाता है हर एक ब्रांड, कैमरा सेंसर कहीं और से लेते हैं लोग, प्रोसेसर जो है क्वालकॉम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। समझने वाली बात यह है कि एंड्रॉइड जो है जगह जगह से सामान उठाता है तब एक फोन रेडी होता है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऊपर नीचे ऑब्वियसली रहेगी। व्हेयरएज आईफोन जो है टॉप टू बॉटम हर एक चीज का कंट्रोल रखता है, इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आईओएस है, और इनकी खुद की चिप्स रहती है जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। ढंग से चीजों को सम अप करके रिपीट करता हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं ना कि आईफोन की परफॉर्मेंस बेटर रहती है तो उसके पीछे सिर्फ रीजन है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आज के टाइम पे अगर जैसी एप्स हमें मिलती है परफॉर्मेंस में कमी देखो एंड्रॉइड में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन में कमी महसूस होती है। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन वाली बात है ना, गेमिंग में बहुत ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी प्रो गेमर्स हैं जो कि एटलीस्ट यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं वो सब आईफोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि सच में आईफोन एक स्टेबल एक्सपीरियंस देता है और गेम्स भी ऑप्टिमाइज रहते हैं। मैं ये भी समझता हूं कि एंड्रॉइड के डिफेंड में बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन हमें जो है इनकी हीटिंग को डिफेंड नहीं करना चाहिए। देखो जब आप अलग अलग जगह से चीजें उठाते हो ना तो हीटिंग भी कंट्रोल नहीं रह पाती। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो है काफी ज्यादा थ्रॉटल भी करता है, काफी ज्यादा हीट भी करता है, और एप्पल यहां पर एडवांटेज लेकर जाएगा क्योंकि इनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। इसी पॉइंट से बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं एप्पल के प्रोसेसर्स की बात करूं तो देखो हर साल ये रिकॉर्ड रहा है आईफोन जो है कम कैपेसिटी वाली बैटरी देते हैं और फिर भी इनका बैटरी बैकअप ज्यादा रहता है, और इस चीज को मैं वेरीफाई कर सकता हूं। अगर सारे एंड्रॉइड्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 4000 mAh से लेके 7000 mAh तक की हमें बैटरी देखने में मिलती है एंड्रॉइड के अंदर, बट स्टिल ये इतने पावर एफिशिएंट नहीं रहते कि इतना ज्यादा बैटरी बैकअप दे दे। फिर से एंड्रॉइड में वो हीटिंग वाली बात आती है, पावर हंग्री प्रोसेसर वाली बात आती है, और ऑप्टिमाइजेशन भी। जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स में जो है 4300 mAh के करीब करीब बैटरी मिलती है, स्टिल जो आईफोन 13 प्रो मैक्स बैटरी बैकअप दे रहा है ना, एंड्रॉइड उसको ब्रेक कर ही नहीं सकता। सिंपल सा रीजन, एप्पल जो है बहुत पावर एफिशिएंट प्रोसेसर बनाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है कि आईफोन्स जो है चार्जिंग टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहा है। एक टाइम तो ऐसा आया था कि आईफोन 5 वॉट की चार्जिंग पे अटका रह गया था और एंड्रॉइड वर्ल्ड 65 वॉट पे जा भी चुके थे। अगर हम एंड्रॉइड से कंपेयर करें तो एंड्रॉइड जो है वैरायटी ऑफ चार्जिंग टेक्नोलॉजी देता है, 65 वॉट भी है, 120 वॉट भी है, और अगर सैमसंग की बात करते हैं वो 45 वॉट अभी भी दे रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली जो है मैंने 150 वॉट चार्जिंग वाला फोन भी यूज करा था जो कि 5 मिनट में इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है कि आपका हाफ डे निकल सकता है एक लाइट यूसेज पे। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बैटरी बैकअप में जो है आईफोन आगे है और चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एंड्रॉइड आगे है। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड्रॉइड जो है टाइप सी के साथ आता है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज
है और आईफोन आज भी जो है लाइटनिंग जैक पे फंसा हुआ है और वो एक्चुअली में एप्पल यूजर्स को परेशान भी करता है। अब कैमरास के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिथ ये है, लोगों को लगता है ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी होती है और इस चक्कर में एंड्रॉइड जो है काफी लोगों को लगता है कि 108 मेगापिक्सल में जो है फैंटास्टिक फोटो लाकर देता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सेंसर है जो सबसे मेन चीज होती है, जो कि ज्यादातर आईफोन्स या फिर सबसे महंगे जो एंड्रॉइड होते हैं उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत कंपेरेबल रहते हैं। इसलिए आईफोन का 12 मेगापिक्सल भी कहीं ना तो कहीं स्टैंड कर जाता है मार्केट में 108 के मुकाबले। रियल फाइट मेगापिक्सल वाली नहीं है, लेकिन रियल फाइट जो है कंसिस्टेंसी और फीचर सेट की है। एक चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी कि आईफोन है ना एक भरोसा जीता हुआ है लोगों का कि हर साल जो है ये लोग कैमरा क्वालिटी तो इंक्रीज करेंगे ही, और यही जो है एक मेजर विन बन जाती है आईफोन के लिए। और एंड्रॉइड में हम हमेशा से ये बिलीव रखते हैं कि एंड्रॉइड जो है ज्यादा फीचर्स लेकर आएगा, जैसे कि लेटेस्ट एंड्रॉइड के अंदर जो है हमें 100x जूम देखने को मिला, 8K रिकॉर्डिंग। वो अलग पॉइंट है कि कितने लोग उनको यूज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि इनोवेशन एंड्रॉइड करता रहता है, खासकर फीचर सेट में भी। अगर मैं कैमरा यूआई की भी बात करता हूं ना, तो वो आईफोन की बहुत इजी टू यूज है। वहां पर 4-5 फीचर्स रहते हैं और कोई भी लाइक बिगिनर भी आकर फोटोज आराम से खींच सकता है, उसको नाइट मोड की टेंशन नहीं लेनी। किसी भी चीज का लाइक कंट्रोल आईफोन नहीं देता है, क्योंकि एप्पल वाले चाहते हैं कि उनका फोन ऐसा हो जस्ट पॉइंट एंड शूट और लोगों को टेंशन लेने की नीड ना पड़े। जबकि आप एंड्रॉइड का पोर्टफोलियो देखोगे तो हर साल 2-3 फोन ऐसे लॉन्च होते हैं जो कि सिर्फ कैमरा सेंट्रिक होते हैं, जैसे कि वीवो X80 प्रो, जिनकी कैमरा यू आप खोलने गए तो शायद आप उसमें खो भी जाओगे, इतने सारे फीचर ये दे देते हैं। जैसे कि इस साल वीवो ने लट्स दे दिए, बहुत अलग अलग तरीके की स्टेबलाइजेशन दे दी, जो कि सच बता रहा हूं टेक्निकल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। अब यूजफुल है कि नहीं वो एक डिफरेंट डिबेट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स को S22 अल्ट्रा के साथ कंपेयर किया था, और मैंने फील किया कि जो सैमसंग का फीचर सेट है ना वो बहुत बड़ा है। जैसे कि यहां पर जूमिंग कैपेबिलिटीज मिल रही थी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी मैं कर पा रहा था, और कहीं ना तो कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि ज्यादा फीचर लोडेड जो है सैमसंग ही है और इमेज क्वालिटी बहुत नेक टू नेक थी। लेकिन एक वीडियो डिपार्टमेंट है जहां पर एप्पल आईफोन्स को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये चीज जो है हम नोटिस कर रहे हैं बहुत सालों से कि आईफोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि कोई भी एंड्रॉइड फोन बीट नहीं कर पाता। और मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि एप्पल ने कहीं ना तो कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है कि एवरी ईयर ये सिर्फ इंप्रूवमेंट ही देंगे, जबकि एंड्रॉइड का पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बड़ा है, 20,000 के फोन भी अवेलेबल है और 1,00,000 के भी, और उनमें कहीं ना तो कहीं कंफ्यूजन है मेगापिक्सल वगैरह की। तो अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट को सम अप करके विनर बताना चाहूँ ना, तो मैं टाई ही देना चाहूंगा, क्योंकि फीचर सेट एंड्रॉइड का ऊपर है, चाहे कंसिस्टेंसी आईफोन की बेटर। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और एंड्रॉइड वर्सेस iOS खुद में एक बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन मैं सरफेस लेवल पे अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी में आईफोन बेटर है। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि बग्स या फिर एक स्टेबल एक्सपीरियंस कौन सी UI प्रोवाइड करती है। तो देखो, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि आईफोन में बग्स नहीं आते, मैं भी यूज करता हूं आईफोन और रेगुलर बेसिस में मेरे को आईफोन में भी बग्स दिखे है। जैसे कि मैं कभी कॉल उठाने जाता हूं तो वो जो है सडनली जो है कॉल स्वाइप नहीं होती है, और इसी तरीके का सेम बग जो है मैंने एंड्रॉइड में भी देखा है। ट्विटर पे मैं जब स्क्रॉल कर रहा था मैंने देखा कि S22 अल्ट्रा की स्क्रीन गायब हो गई है। तो देखो, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि एंड्रॉइड में बग्स की क्वांटिटी ज्यादा है, बट ऐसा भी नहीं है कि आईफोन में बग्स नहीं है। बट अगर आप जब कंपेयर करने जाते हो तो मुझे फील होता है कि फिर भी ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस जो है आईफोन दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट की भी बात करते हो ना, तो एंड्रॉइड जो है कहीं ना तो कहीं ऊपर नीचे रहता है, और ब्रांड टू ब्रांड बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपने सैमसंग का फोन खरीदा तो आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, हो सकता है आपने वन प्लस खरीदा तो वो 3 साल का दे रहा है। जबकि आईफोन्स में खास बात ये रही है कि अपने सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, और साथ के साथ पुराने आईफोन्स को भी सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है। अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूं तो मैंने खुद देखा है कि 5 से 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाते हैं। और एक और चीज यहां पर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा कि एंड्रॉइड जो है काफी बार OTA अपडेट के बाद हमने खराब होते हुए भी देखे है। जैसे कि फ्लैगशिप फोन की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S20, उस फोन को अपडेट करने के बाद उनकी डिस्प्ले जो है सडनली खराब होने लगी। एक और बात बता देता हूं कि एप्पल ने भी काफी बार अपने OTA अपडेट में मेस क्रिएट करी है। काफी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपडेट किया और उनके फोन में बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आई है, लेकिन ये भी हमने नोटिस किया कि एप्पल बहुत क्विक रहता है चीजों को फिक्स करने में। अब सेकंड पॉइंट प्राइवेसी का आता है, और एप्पल ने जो है ना खुद को इस तरीके से मार्केट कर रखा है कि सबसे अच्छी प्राइवेसी वो ही प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं इसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करूं तो मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज खुद पढ़ी हुई है कि FBI ने पे किया है $1 million किसी हैकर को एक आईफोन को खोलने में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग जो है अच्छी सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता, बस ये है कि सैमसंग ने अपने आप को इस तरीके से मार्केट नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट मैं रखना चाहूंगा, हमने टाइम टू टाइम देखा है कि एंड्रॉइड में जो है ना डाटा ब्रीच रहे है, चाहे फिर वो वन प्लस हो या फिर वो कोई और ब्रांड क्यों ना हो। मे बी जो डाटा ब्रीच है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से रहे हो, क्योंकि एंड्रॉइड जो है ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स के अपने बहुत सारे फायदे रहे हैं। आप अपने एंड्रॉइड फोन को रूट
कर सकते हो और वो बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कस्टम रोम तक डाल सकते हो, आपके हाथ में इतनी पावर है और एंड्रॉइड जैसा फाइल एक्सप्लोरर जो है आप आईफोन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इनफैक्ट अगर आप चाहो थर्ड पार्टी एप्स डालना तो आप वो भी डाल सकते हो और जिस तरह की कस्टमाइजेशन एंड्रॉइड देता है वो आईफोन में अभी पॉसिबल नहीं है। एंड्रॉइड की मेरे को एक और अच्छी बात लगती है कि अगर आप गेमिंग फोन लेने जाते हो तो वहां पर गेमिंग के अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, इतना ज्यादा फ्रीडम दे देता है ना एंड्रॉइड की, मतलब सच में पोर्टफोलियो बहुत ह्यूज बन जाता है और इसी वजह से मुझे जो है ना एंड्रॉइड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है। नो डाउट एंड्रॉइड जो है ब्लोटवेयर लेकर आता है जो कि एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा करता है, वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस जो है बहुत टेस्ट डिपेंडेंट वाली बात बनती है। और अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, और एप्पल जैसा इकोसिस्टम और कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल एक ह्यूज फैक्ट बन जाता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि अगर आप सिर्फ एक आईफोन यूज कर रहे हो तो वहां पर इकोसिस्टम की कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन अगर आपके पास एप्पल के कंप्यूटर है, आईपैड है, वॉच है तो नो डाउट वो जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है वो अनबीटेबल है और बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक तरीके से वर्क करता है। अगर मैं एंड्रॉइड वर्ल्ड की बात करूं ना तो सिर्फ सैमसंग है जो कि कोशिश कर रहा है कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की। अब यहां पर मैं एक पर्सनल पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, अगर आप एक आईफोन यूजर हो और आप चाहते हो कोई एक सस्ती स्मार्ट वॉच खरीदना जिससे आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलती रहे तो एप्पल ऐसा सपोर्ट आपको नहीं देता, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सेसरीज आईफोन में बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो एप्पल नो डाउट अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए भी फोर्स करता है और अपने एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी फोर्स करता है, और इसी वजह से बोला जाता है कि एप्पल बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि सिर्फ एक आईफोन से आप इकोसिस्टम का मजा नहीं ले सकते। आई रिपीट, मैं ये एग्री करता हूं कि एप्पल जो है इकोसिस्टम डिपार्टमेंट में बहुत ह्यूज विन लेकर जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी एक्सेसरीज में जो है एंड्रॉइड ह्यूज विन लेकर जाता है, क्योंकि आप 1,00,000 रुपए का एंड्रॉइड खरीदते हो और अगर आपका विश है कि मैं 10,000 की स्मार्ट वॉच ले लूं या फिर 5,000 रुपए की, तो आपके पास एंडलेस ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके साथ कंपेटिबिलिटी भी बहुत सही रहती है। अब आईफोन में आप 5,000 की वॉच कनेक्ट तो कर सकते हो बट आपको नोटिफिकेशन ढंग से नहीं आएगी तो वो वर्क ही नहीं करती। मैंने एप्पल इकोसिस्टम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर जाकर देखना, सच में बहुत फ्यूचरिस्टिक है। वैसे मुझे इसी से एक पॉइंट याद आया एंड्रॉइड के लिए, ये कि उनमें टाइप सी पोर्ट होने की वजह से ना वो डोंगल तक कनेक्ट कर लेते हैं, आप एसएसडी कनेक्ट कर सकते हो और चार चीजें और कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आईफोन के लिए भी डोंगल्स अवेलेबल है, वो एक्सपेंसिव और वो इतने फंक्शनल मुझे नहीं लगते। और अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो कुछ पुराना आईफोन होने के बाद भी कि उसकी रीसेल वैल्यू बेटर होगी एंड्रॉइड के मुकाबले। प्लस एप्पल ने जो है अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड की तरह मार्केट करा हुआ है तो वो जो एक स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है। अब यहां पर जो रीसेल वाला पॉइंट है वो मुझे बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन ये जो स्टेटस सिंबल वाला पॉइंट है मुझे बहुत इमोशनल साइड लगता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के आगे डिस्कस करना चाहता था एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस। अब आप लोगों ने खुद सारी बातें सुनी है, मैं किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता ये बताकर कि कौन विनर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि एग्जैक्टली मैं विनर कौन हुआ, मैं सच में आप लोग के कमेंट्स देखना चाहता हूं। और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।